नमस्कार। चलिए आज कुछ शाम के समय के लिए नाश्ता बनाते हैं, जो बिहार का चूड़ा और मटर का भुजा कैसे बनाया जाता है वो आज हम आपको बता रहा है कि कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने एक प्याज का कट कर लिया है, 2 चम्मच में तेल डाल दिया है और एक हरी मिर्च कट करके इसमें डाल दे रही हूँ। अच्छे से इसे भून लेते हैं जिससे कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसके अंदर हम मटर डालेंगे। तो मटर का समय घर मटर तवे पर जो मिलता है तो सुबह से शाम के लिए चाय के बाद नाश्ते के लिए इस तरीके से आप बनाना भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद थोड़ा सा चुटकी भर इसमें नमक डाल दिया जैसे मटर गल जाए। उसके बाद मैंने इसी में चूड़ा डाल दिया है, जो पोहे वाले जो चूड़े आते हैं वो पोहे वाला चूड़ा इसमें डाल दिया। इसको फ्राई में कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से। गैस को मैंने हाई फ्लेम पे रखा है, लगातार चलाते जाएंगे और आप सोचेंगे कैसे पता लगे कि चूड़ा हमारा भुना हुआ है या नहीं। तो आप इस तरह से क्रश करके देखिएगा, ऐसे समस्या आने लगे तो समझिए चूड़ा हमारा भुन चुका है। तो ये देखिए मैंने थाली में निकाल लिया है और इसे भी मैंने भून लिया। तो चूड़ा को सभी चीज़ को इसमें मिक्स कर दे रही हूँ मैं। बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगता है शाम के समय चाय के साथ, तो आप चाय स्नैक के रूप में इस तरीके से आप बना कर ले सकते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगता है ये नमकीन। तो इस तरह बनाइए और खाइए और अपना सुझाव अपना कमेंट हमें पक्का बताइए और इन्जॉय कीजिए। नमस्कार।